इसे दैवीय प्रभाव अथवा चमत्कार माने या चोरी छिपे किए गए अपराध से जागृत हुआ आत्मबोध। बहरहाल करीब 10 माह बाद चोरी किए गए सामान को लौटाकर चोर ने अन्यों के लिए एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। चोर द्वारा अपराध स्वीकार कर लिए जाने से आश्रम के साधक आचार्य ने उसकी सराहना की है। बता दें कि थाना कमलापुर क्षेत्र के कबीर भारती आश्रम जैतनपुर में 2 दिसंबर 2020 की रात आश्रम का ताला तोड़कर चोरों ने साउंड मशीन, बॉक्स माइक, पंखे, धर्म ग्रंथ आदि चोरी कर लिया था। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने लगभग 3 माह तक गहन छानबीन की, कई को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया। लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे थे। इसी बीच 7 सितंबर की शाम करीब 5 बजे एक चमत्कार सरीखा हुआ। मुदित व रामचंद्र नाम के 2 नवयुवक आश्रम पहुंचे। इनमें से मुदित नाम युवक ने आश्रम के साधक आचार्य प्रमिल द्विवेदी के पैरों पर गिरकर अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की और चोरी किया गया सभी सामान लौटा दिया। अपराध स्वीकार करते हुए मुदित ने कहा, साधक आचार्य ने मुदित को गले से लगाते हुए कहा कि परेशान मत हो, एक जागृत आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति ही ऐसी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना कर सकता है। उधर आश्रम के आसपास रहने वाले इस घटना को दैवीय प्रभाव मान रहे हैं। बता दें इस आश्रम की स्थापना 2000 में हुई थी। वर्ष 2000 में हुई थी। उद्घाटन अवसर पर कबीर शांति मिशन के संस्थापक गृहस्थ संत राकेश कुमार मित्तल, केरल से स्वामी सच्चिदानंद भारती, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर एम सी पंत, वर्तमान में मुंबई में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स परमजीत सिंह, आचार्य प्रमिल की मां शांति देवी, लखनऊ के बिशप गोराल्ड मथायस, वर्तमान में अपर कृषि निदेशक डॉक्टर एस के सिंह सहित कई नामी ग्रामी हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ था। मोदी कुमार यादव है और हम उस समय बीमार ज़्यादा थे, भांग का यूज भी कर रहे थे और दवाई भी बहुत खा रहे थे और चोरी अटेंडम रात को माइंड में पंखा की आवश्यकता जैसे लगी और सांग सुनने की तो मतलब डिस्टर्बिंग में हमने यहाँ आए और ताल भी खोला और बल्ब भी निकाला और साउंड मशीन और 2 माइक भी निकाली थी और सिर्फ हम ही अकेले ही चोरी की थी। रामायण कितनी उठा ले गए थे तुम? बस 2, एक गीता की थी एक रामायण थी। अच्छा, कितने बजे तुमने चोरी किया? ये मान के चलो बजा होगा 12 के बाद। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन तार काटा गया बिजली का? दूसरे दिन तो हम नहीं जानते। तार काटे थे तुम? नहीं, तार और पहले ही दिन, जिस दिन पहले दिन काटे थे ना, जिस अच्छा, दिन वो ले गए उसमें से कोई सामान कहीं बेचा भी कि सब रखा है? नहीं, बेचा तो कुछ नहीं है, सब रखा है। रखा है, अच्छा। तो तुम गलती ये मान रहे हो? गलती हो गई? हम गलती ये मान रहे हैं। तो अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या, तुम हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, अपना परिवार सुधारना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो तुम जो चोरी की हो, तुम्हारे घर के कौन लोग जानते थे जब सामान रखे थे जाके वहाँ? हमारे घर के लोग कोई नहीं जानते। तो सामान जो रखा उसको कहाँ रखा फिर तुमने? कमरे में रखा था, हम जब बीमार हुए थे, हाँ, जब लखनऊ गए तब भी हम पहले चाबी दे दिए थे, हाँ, कि हमारा सामान ये हमारे रामचंद्र भैया रखते हैं, हाँ, हम इन्हों को कई बार चाबी दिया कि चलो तो सामान निकाल के देरी में दे आए, हाँ, हाँ, फिर वहाँ जब गए वहाँ भी चाबी जमा कर दिए थे, हाँ, हाँ, कि बाबा का सामान है वहाँ, हाँ, पहुँचा देना जरूरी है। अच्छा, तो यही तो अब तुमसे गलती हो गई तो तुम क्या चाहते हो, माफ़ कर दिया जाए तुमको? हाँ, हम तो माफ़ी चाहते हैं। अच्छा चलो। अवर क्षेत्र के अन्य चैनलों के जोर से बड़ा अवर क्षेत्र के चैनल जगत से कई गुना बड़ा 7.5 मिलियन दर्शकों के ग्रुप में इकलौता न्यूज चैनल अवर क्षेत्र के दर्शकों ने बनाया आई इंडिया को नंबर 1 न्यूज चैनल। गूगल ने भी दी आई इंडिया को 5-स्टार रेटिंग। खबर का मतलब आई इंडिया।